अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपने सब? उम्मीद है आपने सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से और अच्छे से रहने भी चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग को दिल से वेलकम। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ मैं आज आप लोगों को एक रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, जो बेसन जो यूज़ जो हम लोग करते हैं, पकौड़े भी बनाते हैं और प्लस अपने चेहरे पर भी लगाते हैं फॉर स्किन ग्लोइंग वगैरह ये सब के लिए। तो आप किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स वगैरह या पिंपल्स है। तो इस तरह का जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे उनसे सिर्फ 7 डेज लगाओ रोज़, मतलब पूरे 7 दिन 1 वीक आप लोग लगाओ, तो देखना आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो सब क्लियर होगी। तो चलते हैं इसको बनाने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए बेसन चाहिए, और यहाँ मैंने लिया है योगर्ट और ये मैंने लिया है कस्तूरी हल्दी। आप योगर्ट की जगह आप कर्ड भी ले सकते हैं, तो मेरे पास योगर्ट था इस वजह से मैंने योगर्ट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ अब मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन। तो बेसन क्या बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट्स है, बहुत अच्छा क्लिनजर है हमारे स्किन के लिए। और हल्दी तो एक समझ लें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, इसमें काफ़ी हील करने में यह हर चीज़ मदद भी करता है। जैसे किसी को चोट लग जाए तो आप हल्दी का लेप लगाकर भी आप उस चोट को आप ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम ले रहे हैं योगर्ट, आप इसका जगह आप कर्ड भी आप ले लें, तो योगर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। तो ये सब मैं जो ले रही हूँ ये सब मैं 1 टीस्पून के करीब जैसे अपना फेस के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा के लिए बना रहे हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी का आप इस्तेमाल कर ले। तो इसे क्या कर आप लोग अच्छे से मिक्स कर ले, कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो इसे लगाने से पहले आप लोग को क्या करनी है, अपने फेस को अच्छा से वॉश करनी है, कोई भी क्लिनजर वगैरह से कर लिया तो आप सिर्फ अपने फेस को पानी से वॉश कर ले, यही यूज़ कर ले, क्योंकि ये तो अपने आप में ये बेसन जो है वो तो क्लिनजर का ही ये काम करती है। तो इसे भी आप लोग पानी से अच्छा फेस को वॉश करके आप यूज़ कर ले। मैं तो वैसे ही करती हूँ। अगर जिन लोगों की जैसे शादी हो रही है तो इसे भी आप लोग 1 हफ्ता ट्राई कर सकते हैं फॉर स्किन ग्लोइंग के लिए। तो यहाँ हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग इसे रोज़ 7 दिन लगाए। एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग जब भी लगा रहे हो तो मैं बोलूँगी कि आप लोग इसे रात में लगाए, बस सूखने के लिए छोड़े, जब ड्राई हो जाए तब इसको पानी से आप लोग क्या करें वॉश आउट कर ले, क्योंकि दिन में लगाओगे तो क्या वो धूल मिट्टी वो सब मतलब समझ जाओ बेकार हो जाएगा। तो इसमें क्या है, रात को जो भी आप स्किन केयर जो आप रेमेडी जो यूज़ कर रहे हो तो रात में यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। और दिन का भी है, जैसे आप लोग कोई अच्छा सा सनस्क्रीन वगैरह लगा ले वो तो मस्ट है, बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर बिल्कुल भी ना निकलना। तो ये हमारा छोटा सा एक वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बेसन को आप लोग किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपना स्किन केयर के लिए, फेस पैक के लिए। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। और मैं क्या बोलूँ, अगर आप लोगों को और भी कुछ वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बताएं। तो फिर मिलते हैं आप लोग से ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल करें और हम सबको अपनी दुआ में शामिल रखें। जय।